Welcome students, in our English first chapter poem, Walk a Little Slower Daddy. इस poem start करने से पहले we are going to do the chit chat activity. Chit chat में आप देख सकते हैं कि warming up, ये जो red color में लिखा है warming up, Walk a Little Slower Daddy के नीचे warming up activity, यानी कि इसमें आपको सोचना है कि हम ये जो है टॉपिक से पहले मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ पे बात करनी है. इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के अंदर है कि आर यू फ्रॉम पैर और ग्रुप ऑफ फोर, यूज़ दिस क्वेश्चन टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड. अब उसमें पहला क्वेश्चन है आर यू अ टॉकेटिव पर्सन, क्या आप बहुत बात करने वाले इंसान हो, ये शख्स हो जो मतलब कि कंटिन्यू बातें करते रहता है. इसका आंसर आपको देना नहीं है, बस यू हैव टू थिंक दैट, अभी यहाँ पर तो हम रेगुलर क्लासरूम में नहीं है तो जस्ट यू हैव टू थिंक दैट के आर यू अ टॉकेटिव पर्सन. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है उसके अंदर डू यू लाइक टू शेयर योर थाट्स, वॉट योर दैट मीन्स हियर वॉट यू वॉन्ट टू बिकम वॉट और वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट योर लाइफ योर कैरियर, दैट्स इट, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू सी. एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर टेंथ, हियर यू हैव टू शेयर आफ्टर टेंथ और यू हैव टू थिंक अबाउट दैट आफ्टर टेंथ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ, वॉट कैरियर यू विल ऑप्ट फॉर योर लाइफ एंड वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, दिस ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू थिंक इट आउट. नाउ फॉर थिंकिंग प्रोसेस देर इज़ अ एक्टिविटी, इट इज़ नेम एज अ माई थाट. हियर माई थाट अगेन द क्वेश्चन इज देर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फोर और टू सिक्स इज नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, जस्ट यू हैव टू थिंक दैट वॉट यू हैव टू डू. आई वुड लाइक टू टॉक टू, इन अ फर्स्ट सेक्शन इट्स सेड दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू. सो यर गेट अ फ्री टाइम वेन एवर यू आर फ्री यू जस्ट यू हैव टू थिंक दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू, मुझे इनसे बात करनी होगी तो किन से बात करनी होगी और किस चीज़ के बारे में बात करनी होगी. तो फर्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है आई वुड लाइक टू लर्न टू, मुझे इन लोगों से ये चीज़ सीखनी है. सेकेंड वाले इसमें हैं मुझे ये लोगों से ये चीज़ें सीखनी है, तो ये कंप्लीट करना है हमें. यहाँ पर दिया हुआ है देखो रेड कलर ग्लॉसरी के अंदर, ये ट्राई टू कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ न्यू आइडिया, आपको हर बार न्यू आइडिया सोचना है. एंड देन आपको देर आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पर हर एक का अपना रिस्पॉन्स होगा, जस्ट यू हैव टू थिंक इट आउट एंड कम्प्लीट द दिस वन. नहीं दे थर्ड वन है अगेन आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को आई हेजिटेट टू टॉक टू माई, समटाइम्स जो बच्चे हैं वो हेजिटेट करते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट ओपन दे आर नॉट फ्री टू आस्क. अब यहाँ पर वहाँ ये सारी चीज़ों को सोचनी है कि क्या चीज़ें आप फ्री नहीं हो जो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ पाते हो या अपने फ्रेंड से नहीं शेयर कर पाते, तो इस तरह से ये तीन एक्टिविटी आपको करनी है. तो चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एक्टिविटी, आई वुड लाइक टू टॉक टू, मुझे बात करनी है, मुझे किससे बात करनी है, यहाँ पर कुछ दी हुई है देखो 1 2 3 4 करके. आई वुड लाइक टू टॉक टू, पहला अगर हम देखते हैं तो आई वुड लाइक टू टॉक टू माय मदर अबाउट स्विमिंग लेसन्स, वहाँ पे एक स्विमिंग लेसन दिया हुआ है टेक्स्टबुक के अंदर कि वो अपने माँ से बात करना चाहता है या मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ किस चीज़ के बारे में, स्विमिंग लेसन के बारे में. अब उसके बाद सेकेंड चीज़ दी हुई आई वुड लाइक टू टॉक टू, ये सब में सेम होगा सेंटेंस, उसके आगे जो है माई फादर अबाउट, मैं अपने वालिद से अपने फादर से बात करना चाहूँगी किस चीज़ के बारे में, अबाउट माई हायर स्टडीज़, यहाँ पे मैंने लिखा है हायर स्टडीज़. इसी तरह से माई आई वुड लाइक टू टॉक टू माई टीचर अबाउट स्टडी प्रॉब्लम, फिर माई बेस्ट फ्रेंड अबाउट अपकमिंग मूवी अपकमिंग एप्स अपकमिंग गेम्स, यू वॉट एवर यू लाइक टू डू, जो भी आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है आप उसमें लिख सकते हैं. माई ग्रैंड पेरेंट के इसी तरह से एंड माई नेबर्स अबाउट. अब इससे आप देखेंगे सेकेंड वाले में आपको देखना है कि आई वुड लाइक टू लर्न टू, मुझे इन लोगों से सीखना है तो किससे क्या सीखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड लाइक टू लर्न टू स्पीक फ्रेंच फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड से मुझे क्या सीखना है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है. इसी तरह से आई वुड लाइक टू लर्न टू कुक फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट,
मुझे कुकिंग सीखनी है, हाउ किस तरह कुकिंग की जाती है वो मैं अपने ग्रैंड मदर से सीखना चाहती हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू लर्न टू स्पीक फ्रॉम माय टीचर, स्पीक फ्लुएंटली फ्रॉम माय टीचर, एंड आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले फुटबॉल फ्रॉम माय नेबर, एंड लास्ट वन है आई वुड लाइक टू प्ले चेस फ्रॉम माय कज़िन। अब थर्ड वन जो है, थर्ड एक्टिविटी दी है, आई हेजिटेट टू टॉक। ये बहुत इशू वाला प्रॉब्लम है कि बच्चे जो ओपन नहीं होते, फ्री नहीं होते, शेयर नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम हर एक से नहीं शेयर कर पाते, जैसे आई वुड लाइक टू है आई हेजिटेट टू टॉक टू माई पेरेंट अबाउट माई स्टडीज़। अपने पेरेंट्स से मैं स्टडीज़ के बारे में बात करने में हेजिटेट करती हूँ। हेजिटेट करना यानी हिचकिचाना, घबराना। तो यहाँ पर वो कह रहा है इस कह मतलब ये आपको सोचना है कि किस चीज़ के बारे में आप हिचकिचाते हैं या घबराते हैं अपने पेरेंट्स से बात करते हुए। इसी तरह से आई हेजिटेट टू टॉक टू माय ब्रदर। मैं अपने ब्रदर से बात करते हुए अबाउट द वे ही शी टॉक्स टू हिज टू माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों से वो किस तरह से बात करता है, तो इस चीज़ से मैं उसे ये बोलने से डरती हूँ। ठीक है, आई हेजिटेट टू टॉक टू माय टीचर अबाउट व्हाट आई वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर। तो ये आपको सिस्टर फ्यू आप जो डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं, सिस्टर नेबर जैसे मैंने डाला है, फ्रेंड। इस तरह से हम ये सारी चिक चैट एक्टिविटी करेंगे। इसको यू हैव टू रोट डाउन इन योर नोटबुक, उसके बाद वॉक अ लिटिल